हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप, आपके साथ मैं हूं काजो। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी काफी सुर्खियों में है। फिल्म के रिलीज में अभी समय है, लेकिन उससे पहले फिल्म से कंगना रनौत के फर्स्ट लुक के साथ फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में कंगना दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही है। पर्दे पर कंगना सबसे शक्तिशाली और चर्चित राजनेताओं में से एक इंदिरा गांधी के किरदार में दिखाई देंगी। इमरजेंसी के फर्स्ट लुक पोस्टर में कंगना रनौत छोटे सफेद बाल, चेहरे पर हल्की झुर्रियों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा फिल्म के टीजर में कंगना का एकदम कॉन्फिडेंट अंदाज देखने को मिल रहा है। छोटी सी झलक में साफ लग रहा है कि इंदिरा गांधी को पूरी तरह से अपने किरदार में उतारने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। इस पोस्टर के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा, इमरजेंसी का फर्स्ट लुक पेश है, दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद महिलाओं में से एक का चित्रण। कंगना रनौत की गिनती बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्ट्रेस में होती है जो अपने किरदार में जान फूंकने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। फिल्म के टीजर को देखने के बाद कंगना के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर आधारित फिल्म थलाइवी में नजर आ चुकी हैं। हालांकि इस फिल्म को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, लेकिन कंगना के लुक और अभिनय ने हर किसी का दिल जीत लिया। बिग बॉस 16 को लेकर इन दिनों काफी बस देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब शो के होस्ट सलमान खान को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं, जिससे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। सलमान खान की बात करें तो अभी तक बिग बॉस के 12 सीजन के होस्ट रह चुके हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस विवादित रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए सलमान खान कितना चार्ज करते हैं? वैसे तो हर कोई इस बात को जानता है कि सलमान खान हर बार मेकर्स के सामने डिमांड रखते हैं कि उनकी फीस बढ़ा दी जाए। हालांकि कोरोना के दौरान एक्टर ने अपनी फीस में काफी समझौता किया था। हालांकि अब देखा जाए तो हालात पहले से ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। ऐसे में सलमान खान भी अब बेहतरीन फीस की डिमांड करने में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने मेकर से डिमांड कर दी है कि उनकी फीस में 3 गुना इजाफा किया जाए, क्योंकि भाईजान का कहना यह भी है कि उन्होंने बिग बॉस के पिछले कई सीजन से फीस नहीं बढ़ाई है, लेकिन वो इस बार अपनी फीस में किसी प्रकार की कोई कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। फेमस कॉमेडियन भारती सिंह यूं तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े हर मोमेंट को फैंस के साथ शेयर करती हैं, लेकिन अपने बेटे के जन्म के 3 महीने तक उन्होंने अपने लाडले का चेहरा दुनिया से छुपा कर रखा था। खैर, हाल ही में भारती सिंह ने आखिरकार अपने लाडले गोला के चेहरे का खुलासा कर दिया है। हाल ही में भारती सिंह के बेटे गोला की एक तस्वीर सामने आई है। भारती सिंह के बेटे की प्यारी तस्वीर कोरियोग्राफर पुनीत पाठक की पत्नी निधि ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। फोटो में नन्हे गोला को हैरी पॉटर लुक में देखा जा सकता है। उन्होंने येलो और रेड कलर की ड्रेस के साथ ब्राउन टोपी लगा रखी है, साथ ही हैरी पॉटर की तरह चश्मा भी लगा रखा है। उनके हाथ में जादू की छड़ी भी है जो हैरी पॉटर के पास देखी जाती है। ये प्यारी तस्वीर किसी का भी दिल पिघलाने के लिए काफी है। निधि सिंह ने इस फोटो को शेयर करते हुए भारती से कहा कि गोला उन्हें दे दे। इस पर कॉमेडियन ने भी रिप्लाई किया था, वो तुरंत आकर ले जाएं। निधि ने भारती के बेटे का नाम गोला सिंह लिम्बाचिया पॉटर रखा है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के जल टीवी पर धमाकेदार एंट्री करने की खबरें हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट टीवी पर डांस दीवाने जूनियर के ग्रैंड फिनाले में बतौर मेहमान नजर आएंगे। शो से जुड़े कई प्रोमो वीडियो जारी हो चुके हैं। इसमें टीवी के स्टार्स आमिर खान के आगमन को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हाल ही में आमिर के फैंस भी उनके टीवी पर लौटने पर काफी खुश हैं। आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के सिलसिले में टीवी स्टार्स के बीच नजर आएंगे। फिल्म 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। इसमें आमिर के साथ अभिनेत्री करीना कपूर भी होंगी। फिल्म के कई लुक जारी किए जा चुके हैं। इसमें आमिर एक सरदार की भूमिका में है। खबरें हैं कि आमिर की इस फिल्म में पिछले 5 दशक का भारत दिखाया जाएगा। स्टार प्लस के सुपर हिट शो अनुपमा से घर घर में अभिनेत्री रूपाली गांगुली को एक अलग पहचान मिली है। वो इस प्यार को काफी एंजॉय भी करती दिखती हैं। अब रूपाली ने सोशल मीडिया पर शो के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया, साथ ही वो फैंस का शुक्रिया अदा करती भी नजर आई हैं। इस डांस वीडियो में टीवी की अनुपमा की अदाएं कमाल है। सीरियल अनुपमा ने टीवी पर 2 साल पूरे कर लिए हैं। इसी सेलिब्रेशन में रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रूपाली गांगुली जमकर डांस करती नजर आ रही हैं। रूपाली श्रेया घोषाल के गाने पर परफॉर्म कर रही हैं। उनके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। वहीं फैंस ने रूपाली को जमकर बधाई दी। फैंस सोशल मीडिया पर अनुपमा के 2 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
अनुपमा स्टार प्लस का सुपर हिट शो बना हुआ है। वो टीआरपी की लिस्ट में भी टॉप 10 में हमेशा शामिल रहता है। इसके साथ ही शो में हर हफ्ते नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। शो में अनुपमा और अनुज अपनी आने वाली बेटी छोटी अनु के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही चटपटी और मजेदार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ और देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।